क्या होता है, हम इग्नोरेंस, प्रज्ञापात जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में, एक टर्म है, इग्नोरेंस से हमें बीमारी आती है। अब इग्नोरेंस कैसा, जैसे कि हम सबको पता है कि सुबह जल्दी उठ के वॉक पे जाना चाहिए। आई एम श्योर ऐसा कोई भी नहीं है जिसे ये नहीं पता होगा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, या कुछ आसन प्राणायाम ध्यान करना चाहिए, या कुछ योगा करना चाहिए। लेकिन हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मेरा मन नहीं करता है। मुझे पता है सुबह जल्दी उठना है, लेकिन आज मेरा मन नहीं है। हम कभी नहीं बोलते मेरा शरीर नहीं है आज। हाँ, हम हमेशा यही बोलते, मेरा मन नहीं कर रहा है। तो आलोक सर क्या बोलते हैं, आज मेरा चंद्र पीड़ित है। या सो मेडिटेशन है जो हर बात की, हमारे देखो ये शरीर सब कुछ कर रहा है, लेकिन शरीर के पीछे जो फोर्स है ना, वो इन ग्रहों की फोर्स है, वो हमारे मन की फोर्स है। हम कुछ भी अच्छा देखते हैं, चाहते हैं करना, तो उसको कर पाते हैं, तो वो हमारा चंद्र स्ट्रांग है, हमारे बाकी के सारे ग्रह हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा मन ही कमजोर है, जैसा कि सिमी जी ने बताया, गुरुदेव बोलते हैं, तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, या जो चाहते हैं अच्छा चीज, वो नहीं कर पाएंगे। इग्नोरेंस में हमारा जीवन बढ़ता जाएगा, और इग्नोरेंस की वजह से हमारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होता जाएगा, जो आजकल के समय में बहुत देखने को मिल रहा है। पहले के कुछ 10, 15, 20 सालों से इतना नहीं था, लेकिन आज वो बढ़ता जा रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ अवर लाइफ स्टाइल, मे बी बिकॉज ऑफ अवर नॉट बीइंग मच अवेयर। देन एक दो पॉइंट्स और बताए जाते हैं कि हमारे जिह्वा पे कंट्रोल। अब जिह्वा पे कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो वो कहाँ से आता है? वो है सेकेंड हाउस। अब सेकेंड हाउस को अगर हम देखें, तो वो डायरेक्ट, अगर वहां कोई प्लैनेट बैठा है, तो वो हमारे 8th हाउस पे दृष्टि डालता है। तो 8th हाउस हमारे लिए कष्ट का स्थान है। सेकेंड हाउस में क्या है? हमारी जीभ है, हमारा मुंह है, हमारा बोलना है, हमारा खाना है। ऐसा बोला जाता है हमारा जीवन सिर्फ उतना ही है जब तक मतलब किस पे डिसाइड होता है हमारा जीवन? हमारे बोलने पे और हमारे खाने पे। अगर हम अच्छा हेल्दी खा रहे हैं, तो हमारा लाइफ भी अच्छा हेल्दी होगा। लेकिन अगर हम अनशन अनाप शनाप खा रहे हैं, तो हमारा लाइफ भी कमजोर होएगा। अगर हम अच्छा बोल रहे हैं, कुछ मीठे शब्द, मीठी वाणी, हमारे आजू बाजू के लोगों को हम अपने शब्दों से कंफर्ट दे रहे हैं, तो भी हमारा जीवन अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा और लंबा रहेगा। लेकिन अगर हमारा सेकेंड हाउस पीड़ित है, सेकेंड हाउस का हम ध्यान नहीं रखते, तो वो हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, डिजीजेस को बढ़ाएगा हमारे जीवन में।